श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी हमारे इस गांव के ही नहीं, इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के ही नहीं, पूरे संसार की दिलों की धड़कन है। और मैं श्रद्धेय स्वामी जी से अभी निवेदन करना चाहता हूं कि हम टीवी के माध्यम से तो आपसे रोज आमने सामने होते हैं, लेकिन ये इस गांव का और हमारा एक लंबे समय के बाद ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि स्वामी जी आज हमारे सामने बैठ करके हमें संबोधित करेंगे। देखो, मैं इसलिए खड़ा हो गया, मैं महाराज जी से बोल रहा था कि पीछे वाले दिख नहीं रहे, तो मेरे साथ मिल करके एक बार सभी ओंकार का उच्चारण करेंगे, फिर आपके साथ में थोड़ी देर बात करेंगे। गांव के आस पड़ोस के पूरे इलाके से हमारे जो भी आर्यजन हैं, जो बहुत श्रद्धा रखते हैं आर्य समाज में, महर्षि दयानंद में, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। आप बड़े दूर दराज से भी आए हैं और गांव के भी ज़्यादातर लोग घरों से एक एक तो एक आ ही गए, मेरे साथ मिल करके एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी यज्ञानंद जी महाराज, आज के हमारे इस सभा में आर्य समाज के बहुत युवान हमारे भाई हाकिम सिंह जी और बहुत पुराने हमारे आर्य समाजी सुमन जी से लेकर के हमारे आर्य समाज के प्रधान भाई मानपाल सिंह जी से लेकर के आजाद जी, जिनसे बहुत पुराना हमारा प्रेम है, वो अभी भी जुड़े हुए, सारे हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक और हमारी बेटियां भी जो इस कार्य में लगी हैं, एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपसे बहुत साधारण और बहुत बड़ी बात साधारण शब्दों में कहेंगे। नारसन में मैं 25 वर्ष पहले आया और लगातार शायद 4-5 वर्षों तक महाराज जी में आता रहा, और पूज्य महाराज जी सत्यानंद जी के साथ यहीं इस कुटिया में मैं ठहरा भी हूं। यहीं सुबह उठ करके, एक हैंडपंप है यहाँ अभी भी है क्या, है ना, उसी हैंडपंप से पानी निकाल के यही स्नान भी किया है, और जो है मास्टर जी के यहाँ हमने खाना भी खाया, और जो आपके दूसरे भाई आए थे ना अभी, हाँ डॉक्टर यशवीर जी, आपके हमने खूब दूध भी पिया। नारसन गांव से हमारा एक आंतरिक लगाव है। यह अलग बात है कि सारी दुनिया में घूमता हूं, अभी तक करीब पिछले 25 वर्षों में मैं 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूम चुका हूं। नारसन वाले जब भी जाते हैं कि स्वामी जी अब आप हमारे गांव में नहीं आते, मैंने कहा तुम्हारे गांव में तो मैं सबसे ज्यादा आया हूं।
आपके गांव में जितना रुका हूं उतना शायद मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसको छोड़ के किसी गांव में इतनी दिन नहीं रुका। भाई ठीक है, उस समय दुनिया हमें कम जानती थी, लेकिन आपसे तो हमारा प्रेम उतना ही था। और ये 1993-94 से लेकर के अब तक वही प्रेम आपके साथ है। आना जाना कम हो सकता है, प्रेम कम नहीं। इस पूरे गांव में, एक गांव में एक साधु रहता है, तपस्या करता है, तो बच्चों पर, जवानों पर, घर परिवारों पर कितना बड़ा संस्कार पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद जी। एक चरित्रवान सन्यासी है। यह हमारी तरह से व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र उतने नहीं पढ़े, क्योंकि गुरुकुल में हम लोग पढ़े। अब हमने तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि 10,000 से ज्यादा सूत्र मंत्र याद किए हमने। लेकिन स्वामी सत्यानंद जी एक सच्चा साधु है, एक सच्चा सन्यासी है, एक चरित्रवान सन्यासी। ऐसे सन्यासियों की जरूरत है देश को। दूसरी बात देखो, हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठे, ये हमारे देश की आशा और विश्वास है। और इन बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है। यहां वाल्मीकियों के भी बच्चे होंगे, दलितों के भी बच्चे होंगे, जाटों के भी बच्चे होंगे, ब्राह्मणों के भी होंगे, बनियों के भी होंगे। इन बच्चों को क्या पता है जात पात क्या होती है। मैं इस बार कुंभ में गया, वहां पर भी अखाड़े बने हुए थे। 14 अखाड़े तो अलग हैं, जातियों के अखाड़े। ये यादवों का साधु, ये जाटों का साधु, ये बनियों का साधु और ये ब्राह्मणों का साधु। हमने कहा भाई कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, हम तो दयानंद के चेले। हमने वहां एक तरकीब निकाली, सब मेरे साथ बोलो, मैंने सबसे बुलवाया, हम सब एक ईश्वर की संतान, हम सब एक पूर्वजों की संतान, एक पूर्वजों की संतान। एक ही पूर्वज हमारे बड़े ऋषि मुनि थे, और एक ही भारत माता की संतान, एक भारत माता की संतान। छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं, ये सब बड़ों ने बोला, विद्वानों ने बोला, अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर उन्होंने बोला, शंकराचार्यों ने बोला। तो मैंने जब एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक भारत माता की संतान, तो सभी समान और सभी महान। बात खत्म। ये ऊंच नीच का बहुत झगड़ा चल रहा है देश में। हम सब एक समान हैं, सभी महान हैं। क्या बोला? सभी और सभी एक, सभी एक समान है, सभी महान है। ये जात पात का जहर, इससे देश को निकालना है। दूसरा, जैसे पूज्य स्वामी जनन जी महाराज कह रहे थे कि जब भी कुंभ की बात आए तो टीवी पर सीन दिखे तो उसमें चिलम का धुआं उड़ता दिखाते हैं लोग। इससे अपना सन्यास, अपना सनातन धर्म, ये हमारे अपने घर के मशवरे हैं कि आर्य समाजी है, ये सनातनी है, ये फला है, ये फला है। दुनिया हमको कहती है ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदू है, ये वैदिक सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, वैदिक संस्कृति सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, वैदिक हेरिटेज, इसको मानने वाले लोग हैं। तो वेदों में लिखा होगा चिलम पीना। तो मैं साधुओं के पास गया। पहले तो सारे साधुओं से मैंने प्रार्थना किया, अखाड़े वालों से मैंने कहा भाई सभी इकट्ठे होकर के प्रस्ताव पारित करोगे, भाई कोई साधु चलम नहीं पिएगा। तैयार ना हुए। मैंने कहा भाई ये तो बात बिगड़ गई, मैं हम तो दयानंद के चेले, रास्ता निकालेंगे। तो हमने रास्ता निकाला। मैंने कहा भाई ये एक एक को पकड़ो, सारे तो पकड़ में आऊंगी नहीं। तो मैं एक अखाड़े में घुस गया। अब मैं जहां जाऊं लोग तो प्यार करते हैं, बोले भाई बाबा रामदेव आ गया। मैंने कहा भाई आ गया। बोले स्वामी जी आपने हमारी इज्जत बचा ली, सारी दुनिया में नहीं तो सन्यासी को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, कुछ शराबी कबाब पता नहीं क्या क्या, कोई और मानता था, कोई चरित्रहीन मानता था, कोई कुछ बाबे जेल में चले गए, कुछ बाबे इधर चले गए, कुछ बाबे उधर चले गए, बड़े बदनामी हो गई। आपने हमारी इज्जत बचा ली। मैंने कहा ठीक है भाई, थारी इज्जत बचाई। बोले हाँ जी बचा ली। अब भगवे कपड़े को कोई देखता है तो उसकी उसको इज्जत भी मिलती है। तो मैंने कहा महात्मा हो,
वहां चारों तरफ सब बड़े जटा जूट और सबने धोने ला रखे और चिलम सिलगा रखे। मैंने कहा आप घर परिवार संसार मोह माया सब कुछ छोड़ दिया, महाराज ये चलम भी छूट सके? बोले बाबा छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? इतनी सी बात है, किसी की बड़ाई करके छुड़ाया करो यार ये समाजियों। सुनो तुम, किसी को बुरा कह करके सुधारना बड़ा कठिन काम है। मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छे हो, घर परिवार संसार माता पिता मोह माया सारी दुनिया तुमने छोड़ दी, भाई चलम छोड़ने में क्या दिक्कत है? बोले छोड़ देंगे बाबा कोई बात नहीं। इतनी सी बात है, किसी की बड़ाई करके छुड़वाओ, तुम यूं कहो यूं है वो है ऐसा है वैसा है, ऐसे ना बनती बात भाई। अच्छी बात कह के आप किसी को भी अपना बना सकते हो। चारों तरफ बात हो रही थी राम मंदिर कब बनेगा। हमने कहा भाई राम मंदिर के साथ साथ अगली बात भी हम करते हैं कि राम मंदिर निर्माण के साथ इस देश में राम और सीता जैसा चरित्र हो, राष्ट्र का निर्माण। मैंने बात कही सारी दुनिया में ये बात गई कि भाई नए टेंपल बिल्डिंग के साथ करेक्ट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग, ये साधु का ध्येय है और ये संगम का संदेश, ये है बात। बात बड़ी सोचो बड़ी करो और सबसे मोहब्बत करो। महर्षि दयानंद अपने जहर देने वाले से भी प्यार करता था, ऐसा था। इसलिए हम एक भजन गाते हैं तो सब मिलके गाओगे? हाँ, महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं। क्या है महर्षि दयानंद हमारे? महर्षि दयानंद हमारे आदर्श हैं। महर्षि दयानंद क्या? हमारे आदर्श है। तो महर्षि दयानंद क्यों आदर्श है? देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कोई साथ में नहीं था, चेली न कोई चेला, दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को दम रहा अड़ाओ, सो दिढ़े चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा ना कोई दूजा। किसी का दुख देखा तो क्या हुआ? देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंख रोई, जग के लिए ऋषि
एक त्यागी ऋषि राज दिल था विशाल इतना दिल था विशाल इतना बोलनी है और महर्षि दयानंद के पद चिन्हों पर चलना है। क्या ऋषि दयानंद हमें संदेश देके गए, छोटे बच्चे भी गाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चों? मैं छोटा बच्चा था ना तब मैंने भजन गाना सीखा था, मैंने कोई भजन गाने की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है। छोटा बच्चा था तब गांव के मंदिर में भजन होते थे, आर्य समाज के सत्संग होते थे, उसमें जाया करता तब मैंने भजन सीखे। सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय। महर्षि दयानंद को सबसे अधिक प्रिय शब्द था सत्य। महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय शब्द क्या था बच्चों? जोर से बोलो, सत्य। इसलिए कभी भी उन्होंने कितने बड़े संकट मुसीबतें आई, कितने बड़े प्रलोभन दिए गए, कितने बड़े संघर्ष किए, लेकिन कभी भी सत्य के साथ समझौता नहीं किया। तो अब छोटी छोटी बातें, तो आप बच्चों से लेकर के बड़ों तक, सत्य के रास्ते पर चलना, झूठ के रास्ते पर नहीं चलना। तो भगवान का सत्य स्वरूप क्या है? भगवान का सत्य स्वरूप यह है कि भगवान सृष्टि के कण कण में है। भगवान सृष्टि के बोलो कण कण में है, और भगवान हमारे माता पिता में भी है, हमारे गुरुजनों में भी है, और हम में भी है। हमारे शरीर के भी रोम रोम में ओम है, भगवान है, और इस सारे ब्रह्मांड के भी रोम रोम में, कण कण में, सब जगह भगवान है। तो फिर ये तो हो गया भगवान का सत्य, भगवान कैसा है, तो फिर इसके साथ व्यवहार कैसा करना? तो बोले यथा योग्य व्यवहार ही परमात्मा की पूजा है। यथा योग्य व्यवहार ही क्या है बोलो? भगवान की। माता पिता की पूजा क्या है? सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? ये बड़े वाले नहीं करते क्या? थारे नहीं है क्या भाई? थम करो भाई,
अब बड़े वाले करे नहीं, ये छोटे बच्चे की मुंडी झुकावे। बेटा नमस्ते कर, बापू तू भी कर ले। ओ बापू नमस्ते करे नहीं, बैठो बच्चों, अच्छे बच्चे हैं, बच्चों के लिए ताली बजाओ, बैठ जाओ बेटा। अब हम बच्चों से कहते हैं, बच्चों माँ बाप को नमस्ते किया करो, और बापू अपने बापू को करता नहीं, वो अपने देखे अपने दादा को करे नहीं बापू। तो जब बापू माता पिता अपने दादा दादी को नाना नानी को जो बड़े हैं उनको करेंगे, तो छोटे वाले अपने आप करेंगे। खैर कर्म से सिखाया करो, वेद का एक मंत्र है, मेरे साथ बोलो, क्योंकि वेद तो हमारा अंतिम प्रमाण है ना। स्वेना क्रतुना बोलो संवदेता, अपने कर्म से बोलो, किससे बोलो, कर्म से, कर्म बोलने चाहिए हमारे, जुबान से बोलते रहते कर्म करते नहीं, इसलिए वेद में कहा आचार हीनम नपुनंति वेदा। जिसका आचरण ठीक नहीं है वेद भी उसका उद्धार कर नहीं सकते, इसलिए आचरण अंतिम बात है। तो बच्चों मां बाप की पूजा क्या है, सुबह उठ करके प्रणाम करना और मां बाप का कहा मानना। मां बाप का कहना मानते हो सब बच्चों, मानते हो? माँ बाप पढ़ाई के लिए बोलते हैं पूरी पढ़ाई करते हो? माँ बाप टीवी देखने से मना करते हैं तो टीवी नहीं देखते हो? सच्ची बोलना, अभी बात बोले हाँ। फिर माँ बाप मना करते हैं, माँ बाप मना करते हैं कि मोबाइल से ज्यादा मत खेलो, तो मोबाइल लेने की जिद तो नहीं करते, नहीं करते? हाँ बहुत बच्चे मोबाइल की जिद कर, मोबाइल दो, फिर उस मोबाइल में हमें जितने फंक्शन नहीं पता उतने इन छोटे छोटे जिनको नाक पूछना नहीं आता उनको पता। हाँ उसमें गंदे गंदे गाने निकालेंगे, गंदी गंदी पिक्चर निकालेंगे, उसमें सब उल्टा पुल्टा, सारा संसार मोबाइल में गंदगी भर रखी है इसमें। तो सुनो बच्चों, मोबाइल में गंदी चीजें नहीं देख, गंदा गाना नहीं सुनना। हाँ अच्छा, माँ बाप की मानो। फिर थोड़े बड़े हो जाओगे तो माँ बाप के साथ सहयोग भी करो। हम अपने माँ बाप के साथ खेती में काम भी करते थे, गाय भैंस का गोबर भी उठाते थे, और फिर भी पढ़ाई में नंबर वन रहते थे। हाँ ये बात, पढ़ाई में भी नंबर वन रहना, काम में भी नंबर वन, और चरित्र में भी। कोई बच्चा गुटखा पुटखा तो नहीं खाता? सच्ची बोलियो, ये बड़े वाले तो नहीं खाते कोई? देखो अब अच्छा, कोई एक माँ बाप मैं सारी दुनिया घुमाऊं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अभी मैं साउथ कोरिया गया, जापान गया, चीन भी गया, इससे पहले रशिया के भी कुछ कंट्रीज में गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया, पूर्व में, पश्चिम में पूरा यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, फिर बीच में मिडिल ईस्ट और इधर ये मॉरिशस और अफ्रीका, सब कंट्रियों में गया हूं। जहां लोग, यहां तो अभी मैंने सांस लंबी सी ली, कहीं ना कहीं से बीड़ी का धुआं आ रहा, हमें दूर से पता लग जावा, आधा किलोमीटर दूर से ही, अब पीत वो सूंघते नहीं ना। तो सुनो, जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीते हैं वो भी अपने बच्चों को बीड़ी सिगरेट शराब पिलाना नहीं चाहते, पीते हैं वो भी नहीं चाहते। तो छोटी छोटी बातें, महर्षि दयानंद ने नशा मुक्त भारत की नींव डाली और साधु सन्यासियों से लेकर के सबको कहा भाई नशा छोड़ो। तो भाई ये काम तो अपना सारा गांव भी कर सके, नारसन वालों थारे गांव में एक सन्यासी रहे, तो भाई सन्यासी की भी जरा इज्जत रखो। और वह महारा भी संबंध थारे गांव में 25 साल का हो गया, जो बालक जब मैं आया करता था उस समय जो छोटे छोटे बालक ये स्वामी जी के पास, स्वामी जी छोटे बच्चों को हवन करवाते, उनको गायत्री मंत्र और बाकी अच्छी अच्छी बातें, वो बच्चे अब कुछ उसमें जो है पुलिस में चले गए, कुछ आर्मी में चले गए, कोई टीचर बन गए, कुछ कोई बिजनेस में लग गए, वो उस समय जो 4-5 साल के बच्चे थे अब उनके भी बालक हो गए। तो भाई महारा भी संबंध थारे गांव से है, तो भाई ये काम तो सारा गांव भी कर सके,
कि भाई अपने को नशा नहीं करना, तो नशा छोड़ दो भाई। भाई यहां जो आप एक सन्यासी को सुनने आप आए हो, तो भाई हमने तो घर छोड़ रखा, हमने तो सारा संसार छोड़ रखा, और घर परिवार संसार छोड़ करके इस देश ने जो हमें दिया उसको हमने कई गुना करके वापस देश को लौटाया। अच्छा भाई, हम पहली बार यहां आए, हमको तो याद नहीं भाई अच्छे से, हमारे पास में ना मोटरसाइकिल थी ना कोई स्कूटर था, पहले तो हमारे पास में पैदल चला करते, फिर बाद में साइकिल लेके आए, फिर मोटरसाइकिल, फिर गाड़ी घोड़े तो बाद में हुए, आज तो हजारों गाड़ियां हैं पतंजलि के पास में, हमारे कार्यकर्ताओं के पास गाड़ियां, लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि ये गाड़ी, ये बंगले, ये संस्था, ये हजारों करोड़ का साम्राज्य, आज सारी दुनिया के लोग आते हैं, अरे बाबा रामदेव के पास इतना बड़ा साम्राज्य, बाबा रामदेव के पास ये बाहर का साम्राज्य ने, बाबा रामदेव के पास सत्य का और सेवा का साम्राज्य है, वेदों का, ऋषियों के ज्ञान का साम्राज्य। तो सुनो बच्चों, और बड़ों को भी कह रहा हूं भाई, सही रास्ते पर चलो ना, उसमें कितना सुख है। कोई यूं कहे भी कि भाई बीड़ी सिगरेट शराब पीने से थोड़ी देर कोई सुख मिलता होगा, नशे में आदमी का दिमाग काम करना बंद कर दे भाई, इतनी सी बात है। तो भाई ये सेवा का सुख तो बहुत बड़ा है, भगवान की भक्ति का सुख तो बहुत बड़ा है, स्वास्थ्य का सुख बहुत बड़ा है। आज हम साधु हैं आपके सामने खड़े हैं, आज भी 500 दिन बैठक लगाते हैं, सुबह भी अभी 100 सूर्य नमस्कार लगा के आया हूं, प्राणायाम करके आया हूं। ए बच्चो, तुम्हें बॉडी बनानी है, मजबूत बनना है या कमजोर? सबको मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग मैन बनना है, आयरन मैन बनना है, बॉडी बनानी है सबको, तो बॉडी कैसे, खाली खाने से बन जाएगी? तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो एक्सरसाइज क्या करो, ये धर्म है, यही धर्मोपदेश है, यही जीवन का संदेश है, यही सत्संग है, जवानों को बॉडी बनानी चाहिए। जो जवान है शरीर नहीं बनाएंगे, अच्छी बात है, कुछ बच्चे यहाँ कबड्डी भी खेलते हैं, मेरे से बता रहे स्वामी जी की यहाँ नेशनल टीम में भी बच्चे यहाँ के खेलते हैं, कबड्डी खेलो, कुश्ती करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, सुबह उठ के प्राणायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, दंडक लगाओ। मैं तो सिखाता हूं, हिंदुस्तान का पहला साधु हूं जो सुबह उठ करके दंड बैठक लगाता हूं, टीवी पर सिखाता हूं। पहले साधु क्या होते थे, पहले साधु बैठ जावा आंख बंद करके, और साधु ये तो आर्य समाज के साधु है, नहीं तो साधु तो मतलब यूं 20-40-50 किलो का तो पेट हो साधु का, हाँ घोड़े तो इतने मोटे, एक चेला इधर कुल्ले को उठाना पड़ा, एक को इधर उठाना पड़ा। तो महर्षि दयानंद संसार का उपकार करना इस समाज का, अर्थात आगे बोलो, शारीरिक, शारीरिक उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, यह समाज का उपकार है। हम उस उपकार क्या सोचे, दूसरा ने सुधार देंगे, इसमें उपकार हो जाएगा। अपने आप को सुधारो पहले, अपने शरीर को बलवान बनाओ। सब बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, शरीर से हमें बलवान बनना है, शरीर से क्या बनना है बोलो, ये सबके लिए संदेश है। मस्तिष्क से हमें ज्ञानवान बनना है, मस्तिष्क से, हृदय से श्रद्धावान, हृदय से साधनों से धनवान बने, अच्छी बात है, और आचरण से चरित्रवान, आचरण से जब ऐसे बनेंगे, बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, हम आस्थावान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे, जब हम धनवान बनेंगे, हम चरित्रवान बनेंगे, तो हमारा देश महान बनेगा। हम कहते मेरा भारत महान, भाई ऐसे थोड़ी भारत महान बन जाएगा, अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। तो जितने भी जवान खड़े हैं, सुबह उठ करके एक बार पसीना बहाया करो। मैं दिसंबर जनवरी के महीने में भी, अब तो फरवरी शुरू हो गया है, दिसंबर जनवरी के महीने में भी पसीने से नहाता हूं, दिसंबर जनवरी के महीने में भी सुबह उठ करके एक बार किससे नहाना, महर्षि दयानंद ने तो लोक लज्जा में बाद में कपड़े पहने, नहीं तो लंगोटी में रहते थे, महर्षि दयानंद को सर्दी नहीं लगती थी।
तो भाई महर्षि दयानंद के शिष्यों को भी सर्दी नहीं लगनी चाहिए, सब एकदम कपड़े मत उतारना भाई, कभी कल को पता लगे जाम हो गए। अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए, शरीर का अभ्यास करना पड़ता है। हाँ सुनो अगली बात, शरीर से बलवान बनना है, शरीर से क्या बनना है बोलो, बलवान बनना है, ज्ञानवान बनना है, श्रद्धावान बनना है, धनवान बनना है, चरित्रवान बनना है। ये है सत्संग, ये है आर्य समाज का उद्देश्य कि ये देश कमजोर देश ना बने, ये देश बलवान बने, योद्धा देश बने, ये देश संस्कारवान देश बने, ये देश चरित्रवान देश बने। ये मिशन कोई संगठन चला रहा है उसका नाम आर्य समाज है, ये आर्य समाज। बाकी हम, मैंने कहा सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो भगवान का भी सत्य स्वरूप हम मानते हैं, आत्मा परमात्मा और ये संसार इसका सत्य स्वरूप हम मानते हैं। अगली बात, सब जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ो भाई, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमारा मार्ग ठीक होना चाहिए। गायत्री मंत्र में हम क्या प्रार्थना करते हैं, दियो यो न प्रचोदयात, भगवान हमारा दिमाग हमारी बुद्धि सही रास्ते पर चलती रहे। देखो मेरे साथ में तीन शब्द बोलना, इनमें बड़ा संदेश है, थॉट्स इमोशन एक्शन, ये तीन का साइकिल लाइफ है। जैसे थॉट्स होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसी इमोशन वैसी भावनाएं हमारे दिल में हृदय में पैदा होती है, और वैसे ही हम कर्म करते हैं। मैं तुम्हारे सामने आज एक सन्यासी के रूप में खड़ा हूं, तो मुझे एक विचार ने सन्यासी बनाया है, और कुछ बाप जेलों में पड़े हैं, एक विचार ने उनको जेल में पहुंचाया है। एक विचार हमें आतंकवादी बनाता है। तीन दिन पहले पुलवामा में हमला हुआ, एक आदमी ने 44 आदमियों को तो ऑन द स्पॉट उनका जीवन ले लिया, और कितने लोगों को जख्म दे गया। एक विचार उसके अंदर गंदा घुस गया, मैं इनको मारूंगा तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, स्वर्ग में। एक विचार, वो मरने से पहले अपना वीडियो जारी करके गया कि मैं इनको मार के जाऊंगा। एक विचार आदमी को आतंकवादी बना देता है, एक विचार व्यक्ति को नक्सलवादी बना देता है, बेईमान बना देता है, चरित्रहीन बना देता है। विचार, एक विचार हमें डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, साइंटिस्ट बनाता है, एक विचार हमें धनवान बनाता है, दूसरा विचार हमें दरिद्र बनाता है। विचार झगड़े करवाता है, विचार प्रेम करवाता है, विचार मोहब्बत करवाता है हमारी, विचार नफरत फैलाता है। जो कुछ हम जीवन में हैं, वो सब कौन कराता, हमारा विचार। जैसा होगा विचार वैसा होगा हमारा संसार, जैसा विचार वैसा, जैसा विचार वैसा संसार। आप अच्छे विचार रखो, इसलिए वेद में जब सोते समय मंत्र पाठ करते हैं तो एक मंत्र है, सब मेरे साथ बोलो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, बोलो शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में सदा अच्छा संकल्प रहे, सदा अच्छा संकल्प। ये छोटी छोटी बातें बच्चों से लेके बड़ों तक में, क्योंकि अब तुम्हारी गैदरिंग मिक्स है, बच्चे सामने बैठे, बड़े पीछे बैठे, सबके लिए कुछ बातें सबके लिए एक समान, और हमें अपने बच्चों से लेकर के अपने घर के जवानों से लेकर के और अपने जीवन से लेकर के इस घर परिवार समाज को उन्नत बनाना है, तो यही एक रास्ता है विचार का। और महर्षि दयानंद ने एक अच्छा विचार, एक अच्छी विचारधारा, एक श्रेष्ठ सिद्धांत इस राष्ट्र को दिया, यह महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा योगदान है। और इसी विचार के रास्ते पर चल करके, उस विचारधारा के रास्ते पर चल के, उन सिद्धांतों के रास्ते पर चल करके इस देश ने आजादी की जंग लड़ी, इस देश ने छुआछूत अंधविश्वास ढोंग आडंबर पाखंड इसको मिटाया, दोबारा से ऋषियों का सच्चा मार्ग, वेद का सच्चा मार्ग अपनाया। यदि महर्षि दयानंद ना होते तो इस देश की न जाने और कितनी दुर्दशा हो गई होती, इस सोते हुए देश को जगाया। तो हम अपने बड़ों के रास्ते पर चलें,
अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सबसे बड़ी बात है हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें पांच तो महायज्ञों की शिक्षा दी। कितने महायज्ञ बोलो? पांच। सब मेरे साथ बोलो, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्य देव यज्ञ। पांच महायज्ञ। कितने? पांच महायज्ञ। चार वर्णाश्रम धर्म है, 16 है संस्कार। ये इससे आदमी का जीवन अच्छा बनता है। तो महर्षि दयानंद ने एक अच्छा जीवन जीने की शिक्षा दीक्षा हमें दी। ठीक है, महर्षि दयानंद ने कुछ गलत बातों का विरोध भी किया, खंडन भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात महर्षि दयानंद ने हमारा जीवन कैसा श्रेष्ठ होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे आचरण को, जीवन को अच्छा बनाने पर दिया। अलग अलग महापुरुष अलग अलग बातें कह के चले गए। महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा उपदेश है हमारा जीवन, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए।